अस्सलाम वालेकुम आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप um, बिटवीन uh, हाँ जी तो हमने यहाँ वाली हेडिंग पढ़नी है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी तो इन लीनियर मोशन वेन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन टाइम टी इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस इज़ इक्वल टू वी टी लिखते हैं ठीक है लेकिन हमें यह भी पता है कि जब चूँकि हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज को आपस में रिलेट करना है तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा करके लिखते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा और एस इज इक्वल टू वी टी को अगर आप कंपेयर करें तो आर थीटा इक्वल टू आ जाएगा वी टी के ठीक है तो आ, फिर क्या करें आ, थीटा पे टी को डिवाइड कर दें तो वी को अकेला कर दें तो आर थीटा बाई टी जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है तो आर के साथ ओमेगा लिखा और इक्वल टू वी ठीक है व्हेन थीटा इज़ 90 दैट इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड द एंगल ऑफ एलास्टी ओमेगा जो है वो नाइन्टी का होना चाहिए तो हमारे पास वी इज़ लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ओके फिर है um, हमारे पास इन केस थीटा इज़ नॉट इक्वल टू नाइन्टी वही राइट अगर थीटा नाइन्टी ना हो मतलब कि नॉर्मली जो है एंगल बिटवीन uh, जो वी इज़ इक्ल टू आर ओमेगा वाली इक्वेशन है उसकी पूरी फॉर्म यह है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा तो जब साइन 90 पुट करते हैं तो वो वन आ जाते हैं दोस्तों हम सिंपल वी इज़ टू आर ओमेगा लिखते हैं लेकिन अगर 90 के अलावा और कोई एंगल हो तो आप वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा लिखेंगे अब अगर आप साइन हटाएंगे तो इसकी प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगी वी इज़ टू आर ओमेगा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन इज डिटरमाइंड द राइट हैंड रूल विच इज़ अलॉग द एक्सिस ऑफ़ रोटेशन राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि कल योर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड शो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की मतलब जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है उस डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कल कर लें देखो जैसे यहाँ पे सात गाड़ी शो की हुई है ना ये देखें गाड़ी शो की हुई है और अम, इसका जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है तो आप अपनी आ, फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कर्ल करें ठीक है तो एक्सटेंडेड थम जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी शो करेगा वी की डायरेक्शन शो करेगा ठीक है थम शोस द डायरेक्शन विच शोज द वेलोसिटी वी विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय आर एंड ओमेगा ठीक है तो वी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर एंड ओमेगा जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है ना आ, ओमेगा और आर आ, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी की डायरेक्शन होती है ठीक है वी इज़ आर विज परपेंडिकुलर टू तो ओमेगा एंड आर क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है वो आउटर प्रोडक्ट होती है ठीक है वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा ऐसे ही होती है कि वेक्टर प्रोडक्ट से जो भी आपके पास फाइनल आंसर आ है लाइक यहाँ पे ओमेगा और आर की वेक्टर प्रोडक्ट है तो यहाँ से आपके पास वी रिजल्ट आ रहा है तो वी की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी ओमेगा एंड आर ये क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है ठीक है सो so, वी इज़ आरवे परपेंडिकुलर टू तो ओमेगा एंड आर ठीक um, है तो परपेंडिकुलर एक्सिस बस सिंपल आप ही लिख दें आ, आ, सिंपल पहला डॉट है कर्लिंग फिंगर्स द राइट हैंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ तो ओमेगा ठीक है फिर अगला रिलेशन की रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन तो लीनियर एक्सेलरेशन तो सिंपल यही फार्मूला होता है इसका ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल्टा डी ये इसका फार्मूला होता है ठीक है वी आई इज़ द इनिशियल इनियन वी एफ इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड द चेंज इन वेलोसिटी अकर्स इन टाइम टी वो उसने ऐसे लिखा अब एंगुलर एक्सेलरेशन हमने निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगी आप ये जो ये जो वी एफ है ना ये वाला वी एफ इसकी जगह आपने ओमेगा एफ़ आर लिखा ये ओमेगा एफ़ आर लिखा माइनस की जगह माइनस लिखा ये और जो वी आई है उसकी जगह एंगुलर लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन लिखा ओमेगा आई आर और टाइम की जगह टाइम ही लिखा फिर आम, फिर क्या किया इसने फिर ओमेगा एफ़ माइनस ओमेगा आई और क्रॉस डिवाइड बाय टी और क्रॉस आर को बाय लिख दिया क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ना इसको यहाँ से बाहर निकाल के लिख दिया तो अब ये जो टर्म है ना ये वाली टर्म ये सारी टर्म ओमेगा एफ़ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी ये है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन तो इसकी जगह इसने ना ओमेगा एफ़ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी की जगह इसने अल्फा लिखा है क्रॉस की जगह क्रॉस लिखा हुआ है ये देखें और आर की जगह इसने आर लिखा हुआ है तो फिर चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या लिखते हैं अल्फा आर साइन ऑफ द एंगल थीटा एंड एन इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ए ठीक है फिर फिर फे, जो है जब एंगल नाइन्टी होगा आर और अल्फा के दरम्या में जब एंगल नाइन्टी हो तो उस तो टाइम एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा डायरेक्शन ऑफ अल्फा विल अलोंग द थंब यूजिंग द राइट हैंड रूल मींस के वही बा, बात है कि कर योर फिंगर फ्रॉम आर टू अल्फा ठीक है तो ओमेगा जैसे ये ये कौन सा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शोज द राइट हैंड रूल ओमेगा इज़ गिविंग यू अपवर्ड डायरेक्शन ना ओमेगा पर डायरेक्शन शो कर रहा है और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ओमेगा आर का समझाया है ना आपको कि ओमेगा आर के परपेंडिकुलर होता है वी तो इसी तरह से एल्फा और आर के परपेंडिकुलर होता है ए तो जब साइन 90 होगा तो एज़ इक्वल टू तो आर एल्फ़ा हो जाएगा तो आपने ये वाली इक्वेशन याद रखनी है न्... आपने एक वाली इक्वेशन याद रखनी है ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा और इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ लीनियर एंड आ आ एंगुलर वेलोसिटी और जो दूसरी इक्वेशन आपने याद रखनी है सॉरी फॉर दिस दूसरी इक्वेशन आपकी जो होगी वो वो कौन सी वाली होगी हम्म 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 एंड दूसरी क्वेश्चन आपकी वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा वाली दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक है ए इज़ द लीनियर एक्सेरेशन एल्फा इज़ द एंगुलर एक्सेरेशन तो ये आपने याद रखना है इट इज़ वेरी सिंपल